राहुल योगी जी, आम का सीजन चल रहा है। मैंने सोचा 1 किलो आम ले आता हूँ। आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आम क्या रेट बेच रहे हो? लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, ना आप मेरी दुकान पर बैठे हुए हैं, ना योगी जी की दुकान पर बैठे हुए हैं। आप तो बीच में बैठ गए और दोनों से रेट पूछ रहे हो। अरे मेरी दुकान पे आओ तो मैं अपनी दुकान का रेट बताऊंगा, या फिर योगी जी की दुकान पर जाओ। अरे राहुल योगी जी, अपने अपने आमों के रेट बताओ। जिसका आम अच्छा होगा और सस्ते दाम में होगा उसका खरीद लूंगा। वैसे राहुल, जो तुम्हारे सामने आम रखी हुई है, इस आम को क्या बोलते हैं? एक तो आम की वैरायटी इतनी होती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं। अरे मोदी जी, आम कौन सा खरीदोगे? इधर आओ मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें चौसा आम देता हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। आ जाओ ले लो, 1 किलो आम सस्ता लगा दिया है, 20 रुपए किलो। अरे नहीं मोदी जी, चौसा आम मत लेना, चौसा आम खाने में मजेदार नहीं होता है। ये देखो, मैं दशहरी आम बेच रहा हूँ, दशहरी आम खरीद लो। सुबह से 5 क्विंटल आम बेच चुका हूँ, आप भी ले लो। अरे राहुल, कोई मैं 5 क्विंटल आम थोड़ी लूंगा, मुझे सिर्फ 1 किलो आम मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, खा लूंगा घर जाकर। लेकिन तुम दोनों ने कंफ्यूज कर दिया, योगी जी ने और राहुल तुमने, कि चौसा आम खरीदूं या दशहरी आम खरीदूं। मोदी जी, एक सलाह दूं आपको, सबसे अच्छा आम लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम खरीदो। चलो राहुल, लालू जी की बात मानता हूँ, 1 किलो लंगड़ा आम दे दो। अरे लालू जी, आप भी मेरी दुकान पर बैठे बैठे उल्टा मेरे ग्राहक को ही बहका रहे हो, ये कोई बात है? अरे कोई मेरे पास लंगड़ा आम है थोड़ी, मैं तो दशहरी आम बेच रहा हूँ, और तुम मोदी जी से कह रहे हो कि लंगड़ा आम खरीद लो, ये कोई बात है? इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लालू जी, मेरी दुकान पर बैठना है अगर तो सही से बैठो। योगी जी की दुकान पर देखो, अखिलेश बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। मोदी जी, कहाँ लंगड़ा उंगड़ा आम खाओगे, दशहरी आम खा लो। मोदी जी, राहुल आधा सही बोल रहा है आधा गलत बोल रहा है। सही ये बोल रहा है कि लंगड़ा आम मत खाओ, और गलत ये बोल रहा है कि दशहरी आम खाओ। तुम ना लंगड़ा खाओ ना दशहरी खाओ, तुम चौसा खाओ जो मैं बेच रहा हूँ। योगी जी, राहुल तुमने मुझे घोर चिंता में डाल दिया। ऐसा करो, जब मैं दोनों की दुकान के बीच में बैठा हूँ तो दोनों से ही आम खरीद लेता हूँ। योगी जी, आप आधा किलो चौसा दे दो, और राहुल तुम आधा किलो दशहरी आम दे दो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नमस्कार मोदी जी, ठीक तो हो? मोदी जी, ये दो रंग के आलू कैसे हैं? एक ये हल्के पीले पीले से और एक हल्के काले काले से, क्या दोनों में रेट में भी फर्क है? नमस्कार अखिलेश। हाँ अखिलेश, दोनों आलूओं में रेट में फर्क है। ये जो हल्के पीले पीले आलू हैं, ये बहुत ही अच्छे आलू हैं, ये खाने में बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे। और जो हल्के काले हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी, दोनों के रेट में भी कोई फर्क है? हाँ अखिलेश, फर्क तो होगा ही। ये जो हल्के वाले आलू है, इनको मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और ये जो पीले पीले से अच्छे से आलू है, इनको मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी, इतना ज्यादा फर्क, इतने फर्क से आलू बेच रहे हो? अरे आलू आलू सब एक से होते हैं, हल्के काले वाले आलू 10 रुपए किलो, और ये हल्के पीले वाले आलू पूरे 100 रुपए किलो, इतना ज्यादा फर्क? दोनों आलूओं के बीच में तो आपने सोना चांदी का फर्क कर दिया। अरे बराबर में लालू जी भी तो आलू बेच रहे हैं। लालू जी, आप आलू क्या रेट बेच रहे हो? भाई अखिलेश, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मोदी जी की दुकान पर खड़े खड़े मैं रेट नहीं बताऊंगा। मेरी दुकान पर आओ, यहाँ पर मैं आलू का रेट बताऊंगा। हाँ इशारों ही इशारों में मैं इतना बता देता हूँ, आलू मैं मोदी जी से सस्ता ही बेच रहा हूँ। अच्छा लालू जी, ग्राहक को मेरी दुकान से बुलाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। अखिलेश को अपने पास बुलाने की पूरी तैयारी कर ली आपने। आपने उसे ये भी बता दिया कि मैं सस्ते आलू दे दूंगा, और ये भी कह दिया इधर आओ। अब अखिलेश, बात की बात है, लालू जी जितने रुपए में भी तुम्हें आलू देंगे, उनसे मैं आलू तुम्हें सस्ता ही बेचूंगा। ये अच्छे वाले आलू 50 रुपए किलो दे दूंगा अखिलेश, ले लो। 30 रुपए किलो ये हल्के पीले वाले आलू लगा दूंगा अखिलेश तुम्हें। अखिलेश मैं तुम्हें 10 रुपए किलो आलू लगा दूंगा, बात की बात है तो। अब बात जिद पर आ गई है तो अखिलेश, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें आलू 5 रुपए किलो लगा दूंगा। और राहुल, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम भी खड़े हुए हो, तुम भी आलू खरीदने के लिए आए हो। नहीं मोदी जी, मैं तो मजे लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए और खड़ा हुआ हूँ कि लालू जी और आप आपस में कंपटीशन करके 1 रुपए किलो आलू कब बेचना शुरू करोगे, तभी मैं 5 किलो आलू खरीद लूंगा। वैसे लालू जी, एक बात बताऊं, आपस में कंपटीशन करके ग्राहक को फायदा हो रहा है, अपनों को नुकसान हो रहा है। अपना दोनों लोग सहमति करके एक रेट में आलू बेचते हैं, जो भी रेट तय होगा उस रेट से ना तुम कम बेचना ना मैं कम बेचूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे? योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे। अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ। योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए हैं, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी ये देखो, आपके पीछे देखो, पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो। अरे मैं 16-16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते। लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो, 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा। कम से कम 80-80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने अपनों को घर बनाने का ठेका दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते, अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाई हैं। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल योगी जी तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें ये है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी राहुल मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना। तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है, केजरीवाल जी अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊँ। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी मैं तो 16-16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।